Hello, Bacho. let's see this question. So, the question over here says Out of 36 ADP molecules produced per glucose molecule during respiration, option A, 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain. Option B, 2 are produced outside mitochondria and 35, 34 inside mitochondria. Option C, टू ड्यूरिंग ग्लाइकोलिस एंड फोर ड्यूरिंग क्रेपसाइकल एंड ऑप्शन डी ऑल आर फॉर्मड इन साइड माइक्रोकॉन्ट्रिया सो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे जो थर्टी सिक्स ए टीपी मॉलिक्यूल्स है वो जनरेट होते हैं ए टीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो हमें जो फोर गिवन ऑप्शन है उनमें से बताना है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सो द की कॉन्सेप्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारा एक वाइटल प्रोसेस है एंड ये एक वाइटल प्रोसेस इसलिए भी होता है बिकॉज इससे हमारे एनर्जी uh, जो है वो जनरेट होती है एंड वॉट uh, कि जो हमारे सेल्स हैं ये क्या करते हैं ये कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को uh, जिसमें जनरली हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं सो so, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको कन्वर्ट करा जाता है एंड टू फॉर्म एनर्जी एंड ये एनर्जी जो होती है ये फॉर्म होती है इन इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी सो एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होती है बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आज एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी एनर्जी जो है जनरेट होती है नाउ लेट्स से अगर हम ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ये ब्रेक डाउन करते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस तो हमारे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट आती है हमारी देन आती है हमारी क्रेब जिसको हम लोग सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं या फिर टीसीए साइकिल भी बोलते हैं एंड लास्ट में हमारी आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन और ऑक्सफॉस सो ये जो तीन मेन स्टेजेस होते हैं इनको हम कंबाइन uh, करते हैं एंड फर्दर हम अपनी सेल्युलर रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं सो so, देख लेते हैं फर्दर लेट्स से अगर हम बिगिन करते हैं विद नाउ कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये हमारी होती है इन साइटोप्लाज्म सो ये हमारा माइटोकॉन्ट्रिया के बाहर होता है सो दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है सो so, वट एपन्स इज कि ये हमारे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करवाते हैं सो लेट से वन वन मॉलिक्यूल ऑफ़ ग्लूकोज एंड पर इसका ब्रेकडाउन so, होने की वजह से ये क्या बनाता है हमारा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोट सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है ये हमारा टू पायरोट मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है सो so, यहाँ पे हमारे टू पायरुबेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं ना अगर हम हम यहाँ पे एनर्जी यील्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी जो जनरेट होती है वो होती है टू टू ए टीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनके साथ साथ हमारे जनरेट होते हैं टू एन ए डी एच मॉलिक्यूल्स एंड ये जनरेट होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर ये जनरेट होते हैं एंड यहाँ पर कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है डेयरफोर ये हमारी एनरोबिक प्रोसेस होती है अब अगर हम बात करते हैं हमारे स्टेज टू की सो स्टेज टू जो होता है हमारा वो होता है हमारा क्रेब साइकिल एंड इसको हम जनरली टी सी ए साइकिल भी बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये जनरली देखा जाता है इनसाइड साइड माइटोकॉन्ड्रिया ट हैपन्स इज के अब जब ये हमारा जो पायरुवेट बनता है सो so, पायरुवेट बनता हमारा आ, बनता हमारा साइटोप्लाजम में है एंड उसके बाद ये फर्दर ट्रेवल करके चला जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया सो इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट को पायरुवेट मोलिक्यूल्स को एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं सो so, जहां पर इनको अः ट्रांसफॉर्म करा जाता है इन एसेटाइल कोए सो so, इनको एसेटाइल कोए बना दिया जाता है एंड ये एसेटाइल कोए जो होता है ये फर्दर हमारा साइकिल में चला जाता है सो so, साइकिल में चला जाता है एंड यहाँ पर एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस होते हैं नाउ अगर हम बात करते हैं एनर्जी यील्ड की सो so, ये जो होता है इट प्रोड्यूसेस टू एटीपी मॉलिक्यूल्स सो so, यहाँ पर हमारे टू ए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं एंड सेवरल एन ई डी एच एंड एफ ए डी एच मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाई एनर्जी कैरिंग होते हैं सो so, यहाँ पे एन ई डी एच एंड एफ ए डी एच टू भी होते हैं जो बनते हैं एंड ये फर्दर आगे प्रोसेस में चले जाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे स्टेज थ्री की सो so, हमारे स्टेज थ्री में जनरली जो ऑक्सीडेटिव उक, हम जिसको बोलते हैं एंड कॉमनली हम इसको ऑक्सफॉस भी बोलते हैं सो so, यहाँ पर क्या होता है इसको हम कॉमनली ईटीसी भी बोलते हैं सो व्हाट एपन जिस की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है हम इसको ईटीसी भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें हमारे जो एन हैं एंड एफ ई टू होते हैं ये फर्दर काम करते हैं नाउ ये देखा जाए तो हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये होता है इनसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर जाके इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा प्रोसेस होता है एंड यहाँ पर देखा जाता है दैट जो हमारे एफ uh, एन ई डी एच टू एंड एफ ए डी एच टू मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फर्दर हमारे जो है ये इलेक्ट्रॉन uh, डोनेट करते हैं सो दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फर्दर हमारी साइकिल uh, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इसके वजह से जो हमारी ई टी सी की साइकिल होती है वो चल जाती है ना वट एपन्स इज कि यहाँ पर एक पूरी प्रोसेस चलती है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे कितने एटीपी मॉलिक्यूल हैं या कितनी एनर्जी यील्ड होती है तो यहाँ पर हमारी थर्टी फोर ए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं सो थर्टी फोर ए मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ जनरेट होते हैं विच इज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल सो यहाँ पर हमारा Uh, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट हुए हैं। देअ अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल यील्ड सो जो हमारा टोटल यील्ड निकल कर आता है वो आता है टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस सो यहाँ पर टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स आए हमारे फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस प्लस हमारे आते हैं टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइकिल सो टू ए मॉलिक्यूल्स हमारे क्रेप साइकिल से आते हैं एंड अगर हम बात करते हैं फर्दर तो हमारा अगर हम प्लस करते हैं सो तो हमारे थर्टी फोर ए टी पी मॉलिक्यूल्स आते हैं फ्रॉम ऑक्सफॉस और ऑक्सीडेटिव फॉसफ्राइजेशन सो ये हमारे ऑक्सफॉस से आते हैं थर्टी फोर ए टी पी मॉलिक्यूल्स सो अगर हम लोग टोटल देखें तो हमारे अबाउट थर्टी सिक्स टू थर्टी एट ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं नाउ अगर हम बात कर लेते हैं हमारे गिवन ऑप्शन की सो ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है टू आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इसमें बोला है कि टू एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो आउट आउटसाइड ग्लाइकोलिस प्रोड्यूस होते हैं एंड थर्टी फोर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन सो इसमें बोला है कि हमारे थर्टी सिक्स टोटल जनरेट होते हैं Uh, और जो हमारे दो हैं वो ग्लाइकोलिस से बन रहे हैं एंड दो जो थर्टी uh, फोर जो बन रहे हैं वो रेस्पिरेटरी चेन से बन रहे हैं कि हमारे आउटसाइड द्लाइकोलिस बनते हैं बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू एंड हमारे जो अ uh, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अः uh, ग्लाइकोलिस में ही बनते हैं ना कि उसके बाहर

थर्टी फोर जो होते हैं वो इन साइड माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं सो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे साइटोप्लाजम uh, में बन रहे होते हैं जनरली सो so, ये जो हमारे uh, दो आउटसाइड दी आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारा बनता है ग्लाइकोलिसिस में सो so, ग्लाइकोलिस जो होता है ये है जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में होता है सो वॉट हैपन्स इज कि जब भाई हमारा साइटोप्लाज्म में बनता है सो so फर्दर देखा जाता है कि यहाँ पर हमारे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो जनरेट होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ट्रिया में जनरेट होते हैं सो देफो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं ऑप्शन सी में हमें बोला गया है दैट टू uh, द, दू, टू ड्यूरिंग तो बोला है कि दो जो है एटीपी सो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जो हमारा uh, क्रेपसाइकल होता है इसमें हमारे थर्टी फोर मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं इसमें हमारे टू मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं so, therefore, ये हमारा गलत ऑप्शन है थर्टी फोर जो बनते हैं हमारे वो में में बनते हैं. हमारे, uh, ETC cycle में बनते हैं, हैं। हमारे ऑप्शन बोला है ऑल फॉर्म इनसाइड साइड सो इसमें बोला है सब जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं सो दिस ऑप्शन ऑल्सो इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वॉट एपन्स इज के हमारे जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ये हमारे ग्लूकोज uh, ग्लाइकोलिस में जो बनते हैं सो so, ये हमारे साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में इन रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है सो देो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी टू आर प्रोड्यूस्ड Outside mitochondria and 35 inside mitochondria. So, hope you understood it well. Best of luck.